अहमदाबाद में ब्लैक फंगस की दवाइयों की किल्लत हो गई है। सिरप और इंजेक्शन काफी महंगे मिल रहे हैं। कई बाजारों से जरूरी इंजेक्शन जो है वो गायब हो गए हैं। सिरप और इंजेक्शन काफी महंगे मिल रहे हैं और लोगों को काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। आइए न्यूज डिशन संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगल, कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है और गुजरात में भी ये जो बीमारी है वो तेज़ी से फैल रही है। पूरे गुजरात में अगर हम कहें तो 1500 से ज़्यादा इसके मरीज़ हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की बात करें तो 400 मरीज़ अब तक इस सिविल अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मरीज़ आने के कारण जो है इसकी दवाइयों की भी काफ़ी शॉर्टेज है। ख़ास तौर पर इंजेक्शन के बाद अब एक सिरप है, पोसाकोनाजोल, ये एंटी फंगल सिरप है जिसकी काफ़ी किल्लत है। मरीज़ों को ये इंजेक्शन नहीं मिल रही है। हालांकि सरकारी दवाखाने में ये जो सारे इंजेक्शन और सिरप जो है वो अल्टरनेट डे पर उपलब्ध करवाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि ये जो सिरप है वो काफ़ी महंगी आती है और प्राइवेट बाज़ार में ये सिरप नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये म्यूकोरमाइकोसिस का वार्ड है, ऐसे करीब 7 वार्ड जो है वो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में बनाए गए हैं और काफ़ी सारे मरीज़ भी यहाँ पर है। कुछ लोगों से बात करते हैं, आप बताइए कि दवाइयाँ वगैरह सही से मिल रही है? अत्यारे सिरप एक जो ही मिलती नहीं, अठवाड़िया थे इंजेक्शन ही मिलता नहीं, वो इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा है। अभी वो बाहर से अभी दो तीन इंजेक्शन लाए, इधर तो मिलता नहीं है, तो लंबी लाइन लगती है अभी। वो D5 में दवा देते हैं, वहाँ एक घंटे तक रुकना पड़ता है, बाद में दवा तो मिलती नहीं, बाहर से ही लानी पड़ती है, बाहर से भी नहीं मिलती। नहीं मिली थी सिरप, बोल नहीं है यहाँ पे, बाहर से ले लो। बाहर भी गए थे आप? बाहर भी गए तो बाहर बोला है वहाँ पे, लेकिन 22,000 रुपये बोल रहे, हमारे पास इतने पैसे होते तो यहाँ थोड़े आते। बिल्कुल, देखिए इंजेक्शन के साथ साथ जो सिरप है उसकी भी काफ़ी यहाँ पर किल्लत है, क्योंकि जो सिरप है वो करीब 22,000 से 23,000 रुपए की आती है। यहाँ पर जो है आम मरीज़ है, कई लोगों के पास उसके पैसे भी नहीं है। और हालांकि सरकारी अस्पताल में ये सिरप और इंजेक्शन दोनों मुफ्त दिए जाते हैं, लेकिन काफ़ी प्रोडक्शन नहीं है इसका और सरकार के हाथों में कंट्रोल है, तो राज्य के अलग अलग शहरों में भी उन्हें ये सिरप और इंजेक्शन पहुँचाने होते हैं। इसके कारण यहाँ पर लोगों को इंजेक्शन और ये सिरप मिलने में 2 या 3 दिन लग जाते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि गुजरात में ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है उसकी दवाइयों की काफ़ी किल्लत है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन।